आप जुड़े हुए मैं ट्विटर चैनल विजय के साथ में। जो पिछले दो लेक्चर थे इस प्रश्न आप लिखे, जो आगे हमारी मैट्रिक्स है उसके दो लेक्चर हमने किए हैं। अब ये जो थर्ड लेक्चर है इसमें हम और क्वेश्चन करने वाले हैं। उसमें हमने 3.1 की थी, 3.2 के कुछ क्वेश्चन किए थे, अब जो बचे हैं वो मैं यहाँ पर करवा रहा हूँ। तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर जो 12 है, प्रश्न आपने किसका 3.2 का, 3.2 का तो प्रश्न है। 12 जो क्वेश्चन वो देखिए क्या है, ए बराबर दे दिया, ये हमारी कोई क्या है एक मैट्रिक्स है, और ये बोल रहा है कि तो यदि ये ए है तो ये हमारा क्या करना है, सिद्ध करना है। और जहां पर ये जो आई है, आई क्या है, यूनिट मैट्रिक्स होती है, और ये क्या है एक इकाई अव्यव है, और इसका क्रम आपको ध्यान में होना चाहिए कितना होगा। देखो कोई भी दो अव्यव जुड़ेगी कब, जब दोनों का क्रम सेम हो। तो देखो एका क्रम क्या है, एका ऑर्डर क्या है, देखो एका क्रम आप देखोगे तो कितना है, 2 × 2, तो इसका मतलब इसका भी क्रम कितना है, 2 × 2 क्रम की क्या है एक इकाई अव्यव। तो हल करने के लिए देखो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सिद्ध में करना है तो LHS को RHS को दोनों को अलग अलग सिद्ध हल कर लेता हूँ तो दोनों बराबर आ जाएंगे। तो देखो सबसे पहले मैं लेता हूँ LHS, तो LHS क्या है, I प्लस A, तो वहां आप लिखिएगा, मैं सीधा लिख रहा हूँ। देखो I का मतलब 1001, ये क्या है कि यूनिट यूनिट हमारे पास मैट्रिक्स है, और प्लस ए जो है हमारे पास में ए आपको दिखाई दे रहा है 0 − tan α/2 और कितना 0, और दोनों को ऐड करोगे तो ऐड करने पर क्या आएगा 1, इसको ऐड करोगे तो कितना आया −tan α/2, ऐड किया कितना आया tan α/2, इनको ऐड किया तो कितना आया 1 आया। तो ये लीजिए ये हमारा क्या गया LHS आ गया। अब ये LHS आया, अब क्या करूंगा मैं, अब इसको तो आगे सॉल्व कर नहीं सकते, अब आगे क्या सॉल्व करोगे, थोड़ा सॉल्व है, अब मैं किसको सॉल्व करूंगा, अब मैं सॉल्व करूंगा RHS को। अब देखिए RHS को सॉल्व करके हमें ये लाना है, यदि बराबर आ गए इक्वल आ गए तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। तो अब देखिए RHS सॉल्व करने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, I − A की, तो आप लिखते रहिएगा साथ के साथ लिखते रहना। मैं क्या कर रहा हूँ, सीधा डायरेक्ट कर रहा हूँ I − A, मैं यही कर रहा हूँ। देखो ये हमारा आई था और ये हमारा क्या था ए, ये तो हमारा आई ये हमारा ए है। अब ये बार क्या करना है, अब ये बार करना है माइनस, तो देखिए मैं माइनस करता हूँ तो माइनस करूंगा तो कितना आएगा 1 − 0 कितना हुआ 1, 1 अच्छा दूसरे में से दूसरा घटाओगे तो देखो 0 − − किसका हो जाएगा प्लस का, कितना हो गया tan α/2 और यहाँ कितना आएगा −tan α/2 और ये घटाया कितना आया 1, ये हमारे पास में आ गया। ये किसकी वैल्यू आई है हमारे पास में, ये हमारे पास में वैल्यू आई है I − A की, और इसके गुणा में क्या है ये है, लेकिन मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ। देखो आप ऐसा कैसा पहले छापोगे फिर अगली लाइन में आप करोगे क्या, मैं एक काम करता हूँ, देखो ये हमारे यहाँ थोड़ा आप देखोगे तो सारे किसमें है टेन में है, तो मैं एक काम करता हूँ इनको भी किसमें बदल देता हूँ मैं टेन में। तो कल ही हमने हाफ ओवर इनका देखा है, जो पिछली प्रश्नावली थी जो सेकंड जो चैप्टर हमारे पास में था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसमें भी मैंने इसके फॉर्मूले बताए थे। तो जिन्होंने वो वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर के उसका लिंक आपको मिल जाएगा, तो एक बार वो वीडियो जो लेक्चर है वो आप जरूर देख लें प्रश्नावली 2 का। तो बात देखिए आपको ध्यान में है साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 tan θ/2 / 1 tan² θ/2, क्योंकि आपको ध्यान में साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला ये होता है, क्या होता है 2 tan θ / 1 tan² θ, और यदि इसका हाफ कर देता हूं तो इसका भी क्या हो जाता है हमारा हाफ। यदि अल्फा होगा तो साइन अल्फा को तो मैं क्या लिखूंगा 2 sin α/2 / 1 tan² α/2, और cos 2 थीटा का आपको ध्यान में है क्या होता है फॉर्मूला 1 − tan² θ / 1 tan² θ, और यदि मैं इसका क्या कर देता हूँ आधा cos थीटा कर देता हूँ तो cos थीटा का क्या होगा 1 − tan² θ / 2 / 1 tan² θ/2, यदि इसका आधा किया तो इधर भी जो भी एंगल है सभी एंगल्स का क्या करना पड़ेगा अपने को हाफ करना पड़ेगा। तो यदि अल्फा है तो देखो फॉर्मूला क्या बना, cos अल्फा का क्या बना 1 − tan² α/2 / 1 tan² α/2, तो देखिए मैं यहां रख देता हूं cos अल्फा का मान क्या रखूं 1 − tan² α/2 / 1 tan² α/2, और माइनस का साइन तो है ही, साइन अल्फा का बोलिए इसका होता है 2 tan α/2
अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2। ध्यान से देखिए, एग्जाम में भी ये पूछ चुका, आरबीएससी 2013 में ये क्वेश्चन है हमें पूछा जा चुका है, आरबीएससी 2013 में। तो देखिए अब इसको आगे और सॉल्व करते हैं, तो साइन थीटा का फॉर्मूला हमारे पास में क्या होता है, 2 tan अल्फा बाय 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2, और यहां cos अल्फा है तो cos अल्फा का 1 minus tan स्क्वायर अल्फा बाय 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2, ये हमारे पास फॉर्मूला हुआ। अब आप यदि यहां कुछ चीज ऐसे देख रहे हो जो सब जगह आ रही है, क्या आ रहा है हमारे पास, ये सब जगह आ रहा है, ये सब जगह आ रहा है। तो मैंने एक चीज बताई थी, यदि इस किसी भी हमारे पास मैट्रिक्स है इसमें से कुछ कॉमन लेना है, तो कॉमन कब आएगा, जब सभी में वो हो, तो ये सभी में हमारे पास में एग्जिस्ट करता है, सभी में विद्यमान है, और सभी में विद्यमान है तो ये मैं कॉमन ले लेता हूँ, कॉमन लूंगा तो कहाँ आएगा, बाहर में बाहर एक साथ लिख देता हूँ। देखिए ऊपर तो क्या है, ऊपर तो कुछ कॉमन नहीं है, ऊपर तो मैंने क्या लिख दिया, 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2, ये आपको कॉमन दिखाई देगा, इधर मैं लिख देता हूँ, ये तो ऐसा कैसा माइनस tan अल्फा बाय 2 है, यहाँ किसका साइन है, यहाँ लिखिए माइनस का, मैंने क्या किया है इसको तो ऐसा कैसा लिखा है, हाँ इसमें से मैंने ये जो मैट्रिक्स है सेकंड वाली, इसमें से मैंने क्या कॉमन लिया है, इसमें से मैंने नीचे में नीचे क्या कॉमन लिया मैंने, 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2, यदि ये हमने कॉमन लिया है तो बचा क्या, तो देखो जो बचा वो है क्या, यहाँ से तो बचा था माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2, यहाँ से क्या बचा माइनस, थोड़ा सा दूर लिख देता हूँ, माइनस 2 tan अल्फा बाय 2, नीचे वहां तो ले लिया कॉमन है, यहाँ क्या बचा 2 tan अल्फा बाय 2, यहाँ ये कॉमन ले लिया तो क्या बचा 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, ये हमारे पास में कॉमन है बचा, ये कॉमन लेने के बाद में ये चीजें हमारे पास में बची है। अब करते हैं आगे सॉल्व, अब आगे तो क्या होगा, क्या हमें क्या करना है, इसके जो हमने गुणनफल पढ़ा था कि कोई भी आव्यूह को गुणा कैसे करते हैं, बस वो नियम लगाइए और इनको हल कर देंगे। तो देखिए ये तो हमारे पास में पड़ा रहेगा, है क्या हमारे पास में 1 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2, ये तो पड़ा रहेगा। अब इन दोनों को मैं करता हूँ गुणा, तो गुणा कैसे करते हैं वो आपको ध्यान में होना चाहिए, गुणा कैसे करते हैं कोई भी दो आव्यूहों को, और ये गुणा हो सकती है कि नहीं हो सकती, हो सकती है, क्योंकि जब सिद्ध करना है दोनों बराबर है तो गुणा होगी, तब तो सिद्ध करना है, बाकी आप चेक भी कर सकते हैं ये कौन से ऑर्डर की है, ये 2 मल्टीप्लाई 2 ऑर्डर की है, ये भी कौन से ऑर्डर की है, 2 मल्टीप्लाई 2, 2 गुणा 2 क्रम की, ये भी 2 गुणा 2 क्रम की, तो गुणा हो सकती है। अब आप देखिए गुणा कैसे करते हैं, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, अब इसको भी कैसे करोगे, पहले को पहले से, तो देखो गुणा करोगे पहले को पहले से, तो क्या आएगा, यही आया क्या, 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2, बीच में किसका चिन्ह, प्लस का, इनको गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2 tan स्क्वायर अल्फा बाय 2, गुणा किया दूसरे दूसरे, ठीक है, ये हुआ पहली पंक्ति पहला स्तंभ का काम। अब क्या आएगा, अब आएगा हमारे पास में पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो देखिए अभी कौन सी पंक्ति में चल रहे, पहली पंक्ति और स्तंभ कौन सा आएगा, ये दूसरा, अब देखिए पहली पंक्ति और ये दूसरा स्तंभ, तो इसको कैसे करोगे, पहले को पहले से, तो देखिए क्या है, माइनस 2 tan अल्फा बाय 2, माइनस 2 tan अल्फा बाय 2, दूसरे को दूसरे से, तो देखो गुणा करूंगा तो क्या आएगा, तो यहाँ क्या आ रहा हमारे पास में, यहाँ आएगा प्लस का साइन तो आएगा ही, मैं गुणा नहीं करता हूँ क्यों, ऐसे लिख रहा हूँ मैं, मतलब ये है कि tan अल्फा बाय 2 को किससे गुणा करना है, इससे, क्या है, 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2, ठीक है। अब क्या करूंगा मैं, दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से, तो दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करूंगा, तो देखो मतलब क्या है, माइनस टेन जो अल्फा बाय 2 है इसको इससे गुणा करना है, तो मैं गुणा नहीं कर रहा कि मैं गुणा लिख रहा हूं कि इसको गुणा करना है, ये लीजिए ये हो गया, पहले को पहले से और दूसरे को दूसरे से, तो प्लस का क्या है, 2 tan अल्फा बाय 2, ये लीजिए दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ। अब क्या करूंगा मैं, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो करोगे तो पहले को पहले से, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और आएगा क्या,
टू टेन स्क्वायर एल्फा बाई टू, माइनस माइनस प्लस और गुणा करने पड़ी है, और बीच में किसका चिन्ह प्लस का, दूसरे को दूसरे से, तो दूसरे को दूसरे से गुणा किया तो एक को इसे करोगे तो ये आएगा मतलब माइनस टेन स्क्वायर एल्फा बाई टू। अब आप देखिए बाहर तो हमारे पास में क्या है, वन प्लस टेन स्क्वायर एल्फा बाई टू, और यहाँ आप देखोगे अब तो देखो वन प्लस देखो टू टेन स्क्वायर एल्फा बाई टू माइनस टेन स्क्वायर एल्फा बाई टू कितने बचेंगे, ये मान लो ये हमारा अक्सी है, ये भी हमारा क्या है अक्सी है, अरे अक्सी तो सेम है इसलिए मैं क्या मान रहा हूँ अक्स, तो देखो दो अक्स में से अक्स गया तो कितना बचेगा, टू अक्स में से अक्स जाने पर कितना बचता है अक्सी तो बचता है, अक्स का मतलब टेन स्क्वायर एल्फा बाई टू ही तो बचता है, ये लीजिए तो बताइए। और अब यहाँ आप देखोगे तो मैं क्या करता हूँ इसमें और इसमें क्या कॉमन आ जाएगा हमारे पास में, कॉमन आ रहा है हमारे पास में टेन एल्फा बाई टू कॉमन आ गया। अब आप यहाँ देखोगे तो क्या बचेगा माइनस दो, और यहां से क्या बचेगा वन माइनस टेन स्क्वायर एल्फा बाई टू, और यहां आप देखोगे तो इन दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा, यहां पर भी क्या कॉमन आ रहा है टेन एल्फा बाई टू। मैं एक काम करता हूँ मैं क्या कॉमन ले लेता हूँ साथ के साथ माइनस भी कॉमन ले लेता हूँ, तो देखो माइनस ये समझ लीजिएगा कि यहाँ क्या है माइनस है अंदर इस आवयव के अंदर है, थोड़ा सा इधर लिख लीजिएगा, तो देखो माइनस क्या ले लिया हमने टेन एल्फा बाई टू कॉमन ले लिया। अब देखोगे तो यहाँ क्या बचा वन ये तो कॉमन ले लिया यहाँ से, यही तो बता वन माइनस टेन स्क्वायर एल्फा बाई टू, और मैंने क्या किया है अभी मैंने किया क्या था, या फिर अपने एक काम करते हैं ऐसा रहने देते केवल और केवल क्या ले लेता हूँ मैं कॉमन टेन एल्फा बाई टू कॉमन ले लेता हूँ, तो टेन एल्फा बाई टू मैंने कॉमन लिया तो देखो ये तो किसका हो जाएगा माइनस का और ये किसका हो जाएगा प्लस का, ठीक है, और टेन एल्फा बाई टू कॉमन लिया तो यहाँ से क्या बचा हमारे पास में दो, और यहाँ आप देखोगे तो देखो एक और वही टू अक्स माइनस अक्स, तो टू अक्स में से अक्स गया तो अक्स ही तो बचता है, तो टू टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू में से वन टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू गया, दो टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू में से एक टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू जाने पर क्या बचा टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू ही तो बचा। अब देखिए अब बस सॉल्व कर लीजिए हमारे पास आंसर मिल जाएगा, तो देखो मैं यहां करता हूं देखो वन अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू, और यहाँ हमारे पास में क्या है वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू, यहाँ आप देखोगे टेन अल्फा बाई टू तो है और यहाँ क्या बचेगा माइनस वन, सोल्व करने पर कितना आएगा इन दोनों को सोल्व करने पर आएगा माइनस वन, और इसमें इसमें फिर क्या कॉमन ले लूंगा मैं माइनस कॉमन ले लूंगा, तो माइनस कॉमन लेने से क्या होगा तो देखिए बचेगा क्या, यहाँ माइनस वन कॉमन लिया तो वन माइनस कॉमन लिया तो क्या बचा टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू, और नीचे वाले में है ये हमारे पास में क्या है टेन अल्फा बाई टू, दो में से एक गया कितना एक, और प्लस का क्या है टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू, और यहाँ भाई क्या है वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू। अब आप देखोगे तो सभी में फिर क्या कॉमन आ रहा है, फिर आपको कॉमन दिखेगा क्या वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू, तो कॉमन लेना बाहर तो कॉमन आएगा तो वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू ये ऊपर है तो ऊपर आएगा, तो देखिए वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू, और नीचे भी क्या है वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू, बचेगा क्या यहाँ से तो बचेगा एक, ये कॉमन ले लिया तो क्या बचा माइनस टेन अल्फा बाई टू, यहाँ से क्या बचा टेन अल्फा बाई टू, यहाँ से क्या बचा एक, तो देखिए ये तो हमारा कटा, तो कटने के बाद क्या क्या बचा तो आप लिखिएगा इसको दोबारा लिखिएगा अलग से क्योंकि यहाँ जगह नहीं है, तो मैं केवल क्या लिख रहा हूँ हमारे पास ये बचा तो क्या बताइए एलएचएस भी यही था क्या सोल्व करने के लिए आया था क्या यही आया था, इसका मतलब क्या हुआ ये किसके बराबर है एलएचएस और आरएचएस दोनों क्या हुए बराबर, तो इस प्रकार से हमारा होता है ये सिद्ध होता है। यदि इस क्वेश्चन में थोड़ी सी दिक्कत हो तो एक बार आप इसको दोबारा रिपीट कर लीजिएगा और इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं पुश करके। अगला जो क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन है देखिए ये है क्या, अब ये बोल रहा है कि ये कोई दो आवयव है ये भी कोई आवयव है मैट्रिक्स है ये भी कोई मैट्रिक्स है इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो भी ये क्या आती है नई मैट्रिक्स आती है। अब ये बोल रहा है इसमें जो मैट्रिक्स है कौन सी ये जो ए मैट्रिक्स है ये भी कोई ना कोई मैट्रिक्स है इसकी वैल्यू फाइंड आउट कीजिए मतलब इसका मान याद कीजिए मतलब ये आवयव है क्या इस आवयव की याद करने की आवयव कौन सी है। तो आप देखिए कि कोई भी दो आवयव गुणा कब होती है
तो उसके लिए आप देखो कि जैसे ये आयु है, ये जो हमारी आयु है इसका क्रम कितना है, इसका क्रम आपको दिखाई देगा 3 गुणा 2, इसका क्रम है 3 गुणा 2। और इसका क्रम मेरे को नहीं पता तो मान लेना, माना जो आयु ए है ए का क्रम एम गुणा एन है, मैं मान लेता हूं इसका क्रम क्या है, इसका क्रम है एम गुणा एन। देखो इसका क्रम तो 3 गुणा 2, इसका क्रम कितना है एम गुणा एन। तो बताइए इन दो आयुओं का गुणा कब संभव होता है, जब ये दोनों क्या हो, सेम हो, जो बीच वाले क्या होते हैं दोनों सेम होने चाहिए। तो इसका मतलब आपको एक चीज ध्यान रखी कि एम का मान तो कितना हो गया 2, ये लीजिए, और एन का मान नहीं जान। तो आप ये बताइए कि जो नई आयु आएगी, इन दो आयुओं को गुणा करने पर जो नई आयु आएगी वो कौन से क्रम की होगी, वो कौन से क्रम की होगी, 3 गुणा n क्रम की होगी। ठीक है, 3 गुणा n क्रम की होगी, लेकिन हमारे पास में जो नई आयु आई इन दोनों को गुणा करने पर वो कौन से क्रम की आ रही है, आप देखो ये आ रही है 3 × 3 ऑर्डर की आ रही है। तो अब आप बताइए अपने आप यहाँ से ध्यान चलेगा दोनों बराबर कब होगी, 3 है, ठीक है, n का मान कितना 3, इसका मतलब है n का मान कितना हो गया 3, ये लो। अब आपको पता चल गया होगा जो ए है, आयु ए जो है मैट्रिक्स ए का जो ऑर्डर है, इसका जो क्रम है वो क्या होगा, इसका क्रम होगा 2 गुणा 3, मतलब जो आयु ए है इसमें मानते हम 2 गुणा 3 का मतलब 2 तो पंक्तियां और 3 क्या है स्तंभ, 2 तो रो है और 3 क्या है कॉलम है। तो ये मैं मान लेता हूं ए बी सी डी और ई और एफ में मान लेता हूं। अब देखिए क्या ये 2 गुणा 3 क्रम की है, क्या है, अब हमें इसका मान याद करना है। तो आप देखिए इसको मैं सोल्व करूंगा कैसे, अब इसके अंदर जो दो आयु है उनका गुणनफल भी इसमें आएगा और जो दो आयु है वो इक्वल कब होती है, समान कब होती है, तो दोनों चीजें इसमें मिक्सअप है, प्रश्नावली 3.1 और प्रश्नावली 3.2 के। तो आप देखिए करें क्या, तो हमारे पास में ये कितना है 1, 0, 2, -1, -3, 4। अब एक की जो आयु हमारी है वो हमारे पास हमने कितनी मानी है, ए बी सी डी ई और एफ, और जो बराबर में क्या दे रखा है 1, -4, 3, -2, -10, 6, 13, 20, ये भी। अब मैं क्या करता हूँ इन दोनों को गुणा करता हूँ, तो गुणा कैसे करेंगे, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करोगे तो पहले को पहले से, तो ये दीजिए पहले को पहले से गुणा करोगे तो पहले को पहले से गुणा करोगे क्या आएगा ए, ठीक है ये ए है हमारे पास है ना, दूसरे को दूसरे से गुणा करोगे कितना 0, ये जीरो लिखने की कोई आवश्यकता नहीं थी लेकिन मैंने लिख दिया है, ठीक है। अब हो गया पहली पंक्ति पहले स्तंभ का काम खत्म, अब पहली पंक्ति आ जाते हैं दूसरे स्तंभ पर, तो पहले को पहले से कितना बी प्लस दूसरे को दूसरे से कितना 0, ठीक है। अब आते हैं पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो आप बताइए खुद सोचिए क्या आएगा सी प्लस 0। अब इसी प्रकार से हम इनको भी हल करेंगे, तो देखो दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, सॉरी तो दूसरी पहली पंक्ति और पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, तो दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ में देखो क्या हुआ, पहले को पहले से कितना हुआ 2a, देखो बातें इस पर ये लिखिए। अब देखो पहले को पहले से 2a और दूसरे को दूसरे से कितना माइनस क्या डी, ठीक है खत्म। अब दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ तो क्या आएगा बताइए, गुणा तो आप कर सकते हो, तो 2b - e आपको दिखेगा, और दूसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ में आते हैं तो क्या आएगा 2c - f, ये लीजिए। अब आते हैं तीसरी पंक्ति पर थर्ड रो पर, तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा -3a और प्लस का कितना हो गया 4b और थर्ड रो और सेकंड कॉलम को आप कितना आएगा बताइए माइनस का 3b और प्लस 4d और थर्ड रो थर्ड कॉलम तो क्या आएगा -3c और प्लस का 4f, और बराबर में हमारे पास में है क्या है 1 - 4, 3 - 2, - 10, 6, 13, 20 और -9।
अब आप बताइए जीरो लिखने की कोई आवश्यकता थी क्या? नहीं थी तो मैं एक काम करता हूँ, इसको आगे गायब कर दूंगा, गायब कर दिया। अब आप बता सकते हैं आसानी से कि कोई भी दो अणु बराबर कब होती है? जब उनके संगत अवयव बराबर होते हैं, कोरेस्पोंडिंग जो एलिमेंट है वो इक्वल होने चाहिए। तो इसमें ये ए है तो इसमें कितना है, एक ये लीजिए आ गया। बी का मान कितना आ गया है, माइनस चार, और सी का मान कितना आएगा, तीन हमारे पास में मिलेगा। इसी प्रकार से यदि एबीसी के मान मिल गए तो मैं क्या करता हूँ, इसको इसके बराबर रख दूंगा तो किसका मान मिलेगा, तो देखिए 2a माइनस बी को किसके इक्वल रखूंगा, माइनस 2 के। तो बताइए a का मान हमारे पास में है क्या, तो a का मान में रख देता हूँ कितना है, एक तो यहाँ से मान आ जाएगा, तो देखिए कितना, 2 माइनस बी बराबर माइनस 2, तो d बराबर कितना आ जाएगा, 4। इसी प्रकार से इसके बराबर ये रखोगे 2b माइनस e बराबर कितना, माइनस 10। तो यहाँ से देखिए यदि किसका मान रखोगे, b का मान कितना है, माइनस 4, तो इसको सोल्व कीजिए तो आपके पास में e का मान कितना आ जाएगा, ये कितना हुआ, माइनस 8, तो e का मान कितना आ जाएगा, 2 हमारे पास में मिल जाएगा। और देखिए हमारे पास में यदि इसके बराबर ये रख देता हूँ तो क्या आएगा, मैं रखता हूँ 2c माइनस है बराबर कितना, 6। तो देखिए c का मान हमारे पास आ गया था क्या, बिल्कुल आ गया था, माइनस है बराबर 6, तो f का मान कितना आ जाएगा हमारे पास में, 0 आ जाएगा। तो आप देखिए जो हमारे पास आयु क्या आते हैं, तो जो आयु हमारी क्या थी, a, और a में क्या क्या था, a b c d e और f, हाँ इसकी जरूरत हमें नहीं पड़ी, बाकी इसे भी आप सोल्व कर सकते थे। देखो यदि इसके इक्वल ये रखते तो एक ही वैल्यू हमारे पास आ गई थी, तो किसके वैल्यू आ जाती, डी की, करके देखोगे तो सेम आंसर हमें मिलेगा। चाहे यदि आपको चेक करना तो मैं एक बता देता हूँ, जैसे मान लो ये बता दे रहा हूँ कि एक बार यदि आपको चेक ही करना है कि सर ये पता नहीं गलत हो, तो आप देखिए कि इसके बराबर ये रखोगे, माइनस 3c प्लस 4 है बराबर माइनस 9, और देखो कि हमारे पास माइनस 3c का मान आ गया था कितना, 3 प्लस 4 है बराबर माइनस 9। सोल्व करके देखना, माइनस 9 से माइनस 9 कटाया बराबर कितना आएगा, 0 आएगा। तो इस प्रकार से देखो इसमें भी कितना था, 0। अब आप बताइए तो आप ये है तो ए बी सी डी और एफ, ए का मान कितना है, 1, बी कितना है, माइनस 4, सी कितना है, 3, और डी ई एफ लिख लो, डी कितना, 4, ई कितना, 2, और एफ कितना, 0। तो ये हमारा हुआ आंसर इसका। अब आते हैं देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है 15 क्वेश्चन, वो दिया है कि ये जो ए हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो ये है, और यदि ये दे दिया और ये बोला कि ये सिद्ध कीजिए, ये हमें क्या करना है, ये हमें सिद्ध करना है, ये तो दे रखा है मतलब ये तो सही है, दे रखा है इसका मतलब ठीक है, और ये हमें सिद्ध करना है। तो देखो एक ही बात है बराबर, ये हमें सिद्ध करना, तो सिद्ध कैसे करेंगे, तो आपने कक्षा 11 में गणितीय आगमन सिद्धांत हमने पढ़ा है, तो गणितीय आगमन सिद्धांत में हम क्या करते थे, जब भी n वाला जो आता था, जैसे मान लो सिद्ध किया होगा 1 + 2 + 3 डैश + n तक, तो उसका फॉर्मूला क्या होता था, n + 1 / 2, तो इनको हमने सिद्ध भी किया था किससे, गणितीय आगमन सिद्धांत से। कई सारे फॉर्मूले थे हमारे पास में, काफी पैटर्न हमारे पास इसमें दे रखे थे, तो इसी प्रकार से इसको सिद्ध करना है, तो किससे सिद्ध करूंगा मैं इसको, गणितीय आगमन सिद्धांत से। कोई भी पैटर्न कहां तक चल रहा है, ये हमारा एन तक चल रहा है, तो उसको किससे सिद्ध करेंगे अपन, गणितीय आगमन सिद्धांत से सिद्ध करेंगे। तो देखो इसको मैं किससे सिद्ध करूंगा, गणितीय आगमन सिद्धांत से। तो सबसे पहले हम क्या करते थे, सबसे पहले हम करते थे एन बराबर किसके लिए चेक करते थे, चेक करके देखते थे किसके लिए, एन बराबर एक के लिए। आप चेक करके देखोगे तो देखो एन की, एन की जगह मैं एक रखूंगा, तो एन की जगह एक रखूंगा, तो एक ही घात एक, एन की जगह एक रखा बराबर, ये क्या आया, कोस एन की जगह एक रखो तो मतलब कोस एल्फा, एन की जगह एक रखो साइन एल्फा, माइनस साइन एन की जगह एक रखो क्या आया एल्फा, और कोस एन की जगह एक रखो क्या आएगा एल्फा, और एक की घात एक क्या होता है, ये होता है। तो क्या बताइए ये सही है कि नहीं है, बिल्कुल सही है, क्योंकि ये तुम्हारा दे रखा था कि a बराबर ये है, तो बिल्कुल आया कि नहीं आया, सही बिल्कुल सही आया। अब इसका मतलब n बराबर 1 के लिए क्या है, सत्य, तो लिखिएगा n बराबर 1 के लिए सत्य है। उसके बाद मैं लिखता हूँ सीधा, ये हमारा पहला तरीका हुआ, फिर हम क्या करते हैं, उसके बाद हम करते हैं किसके लिए n बराबर 1 के लिए सत्य है, तो n बराबर किसके लिए सत्य होगा, m के लिए भी, m के लिए भी क्या होगा, सत्य होगा। ये लो n बराबर m के लिए भी सत्य होगा, मतलब n की जगह मैं क्या रख देता हूँ, n की जगह हम क्या रख देते हैं, m रख देते हैं, ये लो n की जगह मैंने m रख दिया, तो क्या आएगा cos m alpha, cos m alpha इधर क्या आएगा,
साइन एम एल्फा क्या आएगा, माइनस साइन एम एल्फा और कोस एम एल्फा, इसको दे दिया करते हैं अपन क्या, इसको ये तो हमने किया था, ये काम हमने किया था, इसको क्या दे दिया करते हैं अपन समीकरण नंबर एक दे दिया करते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, एम बराबर एम भी ले सकते हैं। तो फिर तीसरी चीज हम क्या करते थे, हम ये करते थे एम बराबर एम प्लस एक के लिए भी क्या होना चाहिए, इसके लिए भी क्या होना चाहिए, सत्य होना चाहिए, इट शुड बी ट्रू फॉर n इक्वल टू m प्लस 1। ये m प्लस 1 के लिए भी हमारा क्या होना चाहिए, सत्य होना चाहिए। तो उसके लिए आप देखिए मैं क्या करूंगा, a n की जगह क्या रखूंगा, n की जगह मैं रखूंगा m प्लस 1। तो आप देखिए इधर क्या आएगा, cos n की जगह क्या रख रहा हूं मैं, n की जगह मैं रख रहा हूं m प्लस 1, n की जगह क्या रखूंगा मैं, इसकी जगह रखूंगा m प्लस 1 और यहां पर भी रखूंगा देखिए माइनस साइन में m प्लस 1 और यहां पर भी ये क्या हमारा क्या है cos m प्लस 1। अब हमें क्या करना है, इसके लिए भी ये गुणा सत्य होना चाहिए, मतलब इसको हल करके ये लाना है, सिद्ध करना है। अब LHS को सिद्ध करने में क्या लाऊंगा, RHS लाऊंगा। तो देखिए अब मैं क्या लेता हूं, पहले LHS लेता हूं। तो देखो LHS क्या दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है। तो देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि इसको एकीघात n गुणा एकीघात 1। तो देखो जब आधार समान होते तो घाते क्या होती है, जुड़ती है, क्या सेम सही है कि नहीं है, बिल्कुल है, एकीघात के लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब देखो इसको मैं हल करके मैं ये ले आऊंगा। तो देखिए एकीघात m का मान हमारे पास में दे रखा है, एकीघात m का मान क्या है, एकीघात m का मान है हमारे पास में cos m अल्फा और sin m अल्फा माइनस साइन एम एल्फा और कोस एम एल्फा। ये किसका मान था, एकीघात ए की पावर एम का मान था, एकीघात एम का मान था। और गुणा में क्या है, ए है, और ए आपको ध्यान में ही क्या है, ए क्या है दिखाई देगा आपको, कोस एल्फा साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा और कोस एल्फा, ये हमारे पास में है। अब इसको क्या करना है, क्या और क्या गुणा करना है, गुणा करते ही हमारे पास में क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो देखो गुणा करता हूं मैं, तो गुणा कैसे करूंगा, तो वही हमारा तरीका, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। तो देखिए पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो क्या आएगा, cos m अल्फा पहले को पहले से ये लीजिए, और दूसरे को दूसरे से तो क्या आएगा, साइन एम एल्फा और साइन एल्फा। देखिए पहले को पहले से, दूसरे को दूसरे से, तो दूसरे को दूसरे से गुणा करने पर चिन्ह किसका आया, माइनस का। अब आप देखिए पहली पंक्ति को किससे गुणा करूंगा मैं, दूसरे स्तंभ से, तो क्या आएगा, इसको इसे गुणा करोगे तो कोस एम एल्फा साइन एल्फा प्लस साइन एम एल्फा और कोस एल्फा, ये लीजिए। अब फिर करते हैं दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ को गुणा करोगे तो क्या आएगा, ये आएगा माइनस साइन एम एल्फा कोस एल्फा माइनस दूसरे को दूसरे से, तो क्या आएगा कोस एम एल्फा और साइन एल्फा। अब फिर क्या करेंगे, दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ गुणा करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा हमारे पास में माइनस साइन एम एल्फा साइन एल्फा, दूसरे को दूसरे से करोगे तो प्लस कोस एम एल्फा कोस एल्फा, गुणा करना तो आपको आता है। अब आप ये देखिए यहाँ पर फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, देखो मैं ये मानता हूँ ये ए है, तो ये क्या है बी है, ये ए और ये बी, तो देखो कोस ए कोस बी माइनस, फिर ये क्या हुआ, ये हमारा क्या है ए और ये क्या है बी, तो देखो कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है कोस ए प्लस बी, जब बीच में माइनस का चिन्ह होगा तो कोस में किसका आता है प्लस का। अब यहां देखिए आपको दिखाई देगा, मैं यहां से शुरू करता हूं, देखिए साइन ए ये हमारा बी, तो साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी कोस ए साइन बी, तो इसका क्या होगा साइन ए प्लस बी, ये लीजिए।
और स्क्रॉल करोगे इनमें आप एक काम कीजिएगा, पहले माइनस कॉमन लीजिएगा, तो माइनस कॉमन लेने से क्या होगा, बीच में किसका चला जाएगा, प्लस का, ये भी प्लस का और ये भी प्लस का। अब फिर देखोगे तो माइनस तो बाहर, ये तो माइनस तो बाहर है। अब आप यहाँ देखोगे तो साइन ये हमारा ए है, ये हमारा क्या है, बी, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, तो क्या आएगा, साइन ए प्लस बी। और यहाँ देखोगे मैं यहां से शुरू करता हूँ, कोस ए कोस बी, ये ए है, मैं एम एल्फा को क्या मान रहा हूँ, सभी में ए और एल्फा को क्या मान रहा हूँ, बी, ये देखिएगा, तो कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो किसका फॉर्मूला होगा, कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला होगा। अब आप यहाँ देखोगे थोड़ा सा और आगे, इसमें क्या कौन आ रहा है, इन दोनों में क्या कौन आ गया, एल्फा बचा गया, एम प्लस एक, यहाँ पर क्या होगा, इसमें भी मेरे को एल्फा को मैं दिखाई दिया, बचा गया एम प्लस एक और माइनस साइन, इनमें भी क्या कौन आया, एल्फा, तो क्या आएगा, एम प्लस एक, और इसमें भी आप अल्फा को ले लीजिए तो बचेगा क्या, एम प्लस एक, क्या यही हमें लड़ा था क्या, बिल्कुल यही हमें लड़ा था, तो ये हमारा हुआ क्या, आरएचएस हुआ, तो इस प्रकार से ये हमारा सिद्ध होता है। तो 3.2 के मैंने सभी क्वेश्चन लगभग करवा दिए हैं, तो आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए, जो उदाहरण है वो सोल्व कीजिए, और विविध है उसके क्वेश्चन सोल्व कीजिए, एक दो क्वेश्चन में विविध के करवा देता हूँ, बाकी आप सोल्व कीजिए, जो नहीं आता है वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। जो अगला क्वेश्चन है जो विविध है, अब इस विविध का मैं करवा देता हूँ 18 क्वेश्चन, बाकी आप सोल्व कीजिए। तो 18 क्वेश्चन क्या है, जो हमारे पास जो मैट्रिक्स है जो बी है वो ये दे रखी है ए बी सी और डी, तो हमें ये प्रूव करना है, हमें क्या करना है, सिद्ध करना है कि इसके बराबर ये हमें लाना है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले किसको और करता हूँ, एलएचएस को, और एलएचएस को और करने के लिए देखो इसमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी, बी स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी। तो पहले मैं क्या निकाल लेता हूँ, बी स्क्वायर निकालूंगा, तो बी, तो बी स्क्वायर निकालने के लिए क्या करोगे, बी को बी से गुणा करोगे। तो देखिए बी स्क्वायर निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, बी को बी से गुणा करता हूँ, तो बी को बी से गुणा करूंगा, तो बी है क्या, ए बी सी और डी, क्या क्या है, बी दोबारा क्या है, ए बी सी और डी, और गुणा करना आपको आता है, आगे का गुणा करना मैंने बताया, तो पहली पंक्ति और पहला स्तंभ करोगे तो आएगा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी सी आया, और फिर क्या करोगे, ये पहली पंक्ति पहला स्तंभ हुआ, अब आते हैं पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो क्या आएगा, ए बी प्लस बी डी, और अब आते हैं दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो पहली दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ गुणा करोगे तो क्या आएगा, ए सी और प्लस सी डी, ये हमारे पास में हुआ, और अंतिम में दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ, तो देखो क्या आया हमारे पास में, बी सी और प्लस बी स्क्वायर, ये हमारे पास में किसका मान हो गया, बी स्क्वायर का मान हो गया, ये लीजिए हमारे पास किसका मान हो गया, बी स्क्वायर का मान, देता हूं मैं इसको समीकरण नंबर एक। अब हम करते हैं, देखो एलएचएस लेता हूं, LHS मैंने लिया, LHS लेने के बाद बी स्क्वायर का मान में रख देता हूँ, बी स्क्वायर का मान मेरे पास में क्या है, मेरे पास में है ए स्क्वायर प्लस बी सी और ए सी प्लस सी डी, और इधर जो बचा वो लिख लेता हूँ मैं, क्या क्या है, ए बी प्लस बी डी और बी सी प्लस डी स्क्वायर और माइनस ए प्लस बी, और गुणा किसे करना है, इसको गुणा करना है किसे, बी से, तो बी का मान मैं रख देता हूँ, क्या क्या है, ए बी सी और डी, ये लीजिए, अब इधर तो पढ़ा रहेगा आप ऐसा कैसा लिख लीजिए, मैं इधर हल कर रहा हूँ, या एक बार लिख देता हूँ मैं इधर, तो लिखूंगा तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी सी, ए बी प्लस बी डी और ए सी प्लस सी डी और बी सी प्लस डी स्क्वायर, ये हमारे पास में है, और इसको आप सॉल्व करोगे तो गुणा करोगे, जो ये गुणा होगा, कोई भी आवयव को बाहर किसी संख्या से गुणा करना, तो वो संख्या किससे गुणा होती है, सभी अवयवों से गुणा होती है, तो मैं सभी से गुणा कर देता हूँ, तो गुणा करने पर बोलो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस ए डी, इसको इससे गुणा किया तो क्या आया, ए बी प्लस बी डी, बी डी, और इसको इससे गुणा किया तो क्या आया, ए सी प्लस सी डी, और इसको इससे गुणा किया तो क्या आया, ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब आप देखोगे हल करोगे तो क्या आएगा, अब घटाना है, कोई भी दो अवयव घटती कब है, जब दोनों का क्रम समान हो, और क्रम इनका समान है क्या, बिल्कुल इनका क्रम समान है, और फिर कहते क्या है, कोरेस्पोंडिंग जो हमारे पास में एलिमेंट है उनको हम क्या कर देते हैं, सब्जेक्ट कर देते हैं, जो संगत अवयव है उनको घटा देंगे। तो देखो इसमें से ये घटाओगे तो बताइए आपके पास क्या मिलेगा, आपको मिलेगा क्या, ए स्क्वायर से स्क्वायर कटेगा, मिलेगा बी सी माइनस ए बी, और इसमें से ये घटाओगे तो देखिए आप क्या
दोनों बिल्कुल सेम है क्या? बिल्कुल सेम है, तो घटाओगे तो क्या मिलेगा? जीरो। और इसमें से ये घटाओगे तो देखो ये भी पूरा सेम है क्या? बिल्कुल सेम है, तो यहाँ पर भी क्या आया घटाने पर? जीरो। देखो एसी प्रसिद्धि पूरा कटेगा जीरो। और इसमें से सेपरेट करोगे तो देखो डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कटा, क्या बचा? ये बचा हमारे पास में बी सी माइनस एडी। अब बताइए इस पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है? मेरे को यहाँ कॉमन दिखाई दे रहा है बी सी माइनस एडी, मेरे को कॉमन दिखाई दिया। यदि बी सी माइनस एडी कॉमन दिखाई दिया अब बोलोगे यहाँ तो कॉमन नहीं है, तो जीरो में तो कॉमन होता है, कॉमन लेने का मतलब क्या होता है? भागना। तो बीसी माइनस एडी का सभी में भाग जा रहा है क्या? जा रहा है। जीरो में भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा? जीरो बार जाएगा। तो बीसी माइनस मैंने एडी कॉमन लिया तो बचा कितना? एक। जीरो में भाग दोगे तो कितना आएगा? जीरो ही आएगा, जीरो एक। अब बताइए क्या आया बीसी माइनस एडी? ए BC माइनस AD। और ये हमारा क्या है? ये I2 है क्या? ये I2 है, ये हमारे पास में यूनिट वेक्टर है। कौन से ऑर्डर की? 2 मल्टीप्लाई 2 ऑर्डर की है हमारे पास, तो ये हमारे पास में क्या आ गया? क्या यही हमारा आंसर सुना था क्या? यही हमारा आंसर सुना था। इसका मतलब ये हमारा क्या होता है? सिद्ध होता है। ये हमारा हुआ आंसर 2। तो करते हैं हम एक और क्वेश्चन, एक अंतिम क्वेश्चन लेता हूँ। प्रश्न नंबर जो विविध है उसका सातवां क्वेश्चन है, तो मिसलेनियस जो एक्सरसाइज है उसका सातवां क्वेश्चन है। ये बोला कि जो एका है ऑर्डर कितना है? 3 मल्टीप्लाई 4 है। और जो बी है इस प्रकार से सच दैट ए ट्रांसपोज बी और ए बी ट्रांसपोज दोनों ही क्या करते हैं? एग्जिस्ट करते हैं, दोनों ही परिभाषित है हमारे पास में, मतलब दोनों ही गुणा हो सकते हैं। ए के ट्रांसपोज को बी से गुणा कर सकते हो और ए को किससे गुणा कर सकते हो? बी के ट्रांसपोज से गुणा कर सकते हो। तो बी का क्रम क्या होगा? तो देखो ए का क्रम तो आपको दिया ही है, और मैं मान लेता हूँ अपने मन से। तो सपोज लेट माना जो बी है इसका क्या है ऑर्डर ऑफ, जो बी है जो मैट्रिक्स बी है इसका मैं मान लेता हूँ क्या मान लेता हूँ? एम गुणा एन। इसका मैं जो क्रम है वो क्या मान लेता हूँ? एम गुणा एन मान लेता हूँ। अब आप देखिए ये बोला कि ये भी परिभाषित है और ये भी परिभाषित है, तो पहले मैं क्या लेता हूँ? पहले ये लेता हूँ ए का ट्रांसपोज। इसने ये बोला कि यदि ये परिभाषित है ए का ट्रांसपोज बी परिभाषित है, मतलब ये दोनों गुणा हो सकते हैं, तो बताइए गुणा कब होंगे? पहले ये बताओ ए ट्रांसपोज का क्रम कितना? यदि ए का क्रम कितना है? 3 गुणा 4 है। इसका जो ऑर्डर है वो 3 मल्टीप्लाई 4 है, तो ट्रांसपोज का क्या होगा? जो इसका जो ट्रांसपोज है उसका क्रम होगा 4 गुणा 3। जो ट्रांसपोज होता है उसका क्रम इसका उल्टा हो जाया करता है। और जो बी है बी का क्रम अपन ने कितना माना है? अपन ने इसका क्रम माना है एन गुणा एल। और बताइए ये गुणा कब संभव है? जब ये बीच वाले दोनों क्या हो? सेम हो। जो पहले वाले जो आयु है उसके तो स्तंभों की संख्या, और जो बाद वाली आयु है उसके पंक्तियों की संख्या, दोनों क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो यहाँ से देखो आपको क्या मिला? एन बराबर है 3 मिला। और एक और चीज बोली है कि ये भी हमारा क्या है? परिभाषित है, मतलब गुणा हो सकता है। तो मैं क्या करता हूँ, देखो एकाक्रम लिखता हूँ। एकाक्रम कितना है? 3 गुणा 4। इसका जो ऑर्डर है ए का ऑर्डर कितना? 3 मल्टीप्लाई 4। और बी ट्रांसपोज का आप ऑर्डर देखोगे तो बी ट्रांसपोज का क्या आएगा? बी का ऑर्डर ये, तो बी ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या हो जाएगा? एन मल्टीप्लाई एम। जो इसका जो क्रम है वो क्या हो जाएगा? एन गुणा एम हो जाएगा। इसमें भी देखो गुणा तभी संभव होगा जब बीच वाले सेम हो। तो यहाँ से आपको क्या मिला है? बराबर है 4। तो बताइए अब जो है जो बी है उसका क्रम क्या हो जाएगा? तो बी का क्रम आपको मिलेगा एम गुणा एन था, तो एम का मान तो आ गया कितना? 3। और एम का मान आ गया कितना? 4। तो ये हमारा हो गया इसका आंसर। अब हम जो बाकी जो क्वेश्चन है वो आपके जो डाउट्स है वो क्लियर करेंगे कल के जो हमारे पास लेक्चर होगा उसमें हम इनको सॉल्व करेंगे। तो डाउट्स है वो आप कमेंट्स के थ्रू आप लिख दीजिए।